उपमंडल अधिकारी सुजानपुर शिल्पी बेगटा के द्वारा आज सुजानपुर में नगर परिषद के 4 मनोनीत पार्षदों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के द्वारा भाजपा समर्थित 4 मनोनीत पार्षदों को नगर परिषद का मनोनीत पार्षद नियुक्त किया गया था, जिनमें वार्ड नंबर 9 से अंकुश गुप्ता, वार्ड नंबर 3 से तिलकराज कश्यप, वार्ड नंबर 7 से लता राणा, वार्ड नंबर 6 से अनीता मेहरा को मनोनीत पार्षद चुना गया है। शपथ ग्रहण करने के बाद सभी 4 मनोनीत पार्षदों ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का आभार व्यक्त किया। मनोनीत पार्षद तिलक राज कश्यप ने बताया कि शहर के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, जो कार्य अधर में लटके हैं उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के 4 मनोनीत पार्षद किसी न किसी पद पर अपनी सेवाएं जनता के लिए दे चुके हैं, जिसका फल लोगों को आने वाले कामों में तेजी लाकर देखने को मिलेगा। इस मौके पर नगर परिषद के उपाध्यक्ष पवन कुमार, पार्षद सविता महाजन, प्रकाश डयाल, शहरी इकाई के अध्यक्ष सुमन गुप्ता, महामंत्री भाजपा सुधीर भटनागर, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अशोक मेहरा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रोफेसर प्रियंका धूमल जी का, जिन्होंने थोड़े से समय में मेरे पर इतना विश्वास रखते हुए हमें इस जिम्मेवारी से नवाजा है, तो उनका मैं अत्यधिक धन्यवाद करना चाहूँगा, उनको कोटि कोटि नमन। और जो 4 मनोनीत पार्षद आज हम बनाए हैं, तो हम सुजानपुर के प्रति पूरी श्रद्धा के साथ कार्य करेंगे। जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे 9 वार्डों के लोग हैं, उनके विकास कार्य करवाए जाएंगे, उनके हर कार्य करवाए जाएंगे। इसके लिए मैं माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार श्री अनुराग ठाकुर जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। उन सब लोगों ने हम पे इतनी आस्था रखते हुए हमें आगे भेजा है, हम पे विश्वास रखा है। इसके लिए मैं अपने माननीय जिलाध्यक्ष, मैं अपने माननीय मंडलाध्यक्ष, मैं कैप्टन रंजीत जी का भी, मैं अपने माननीय शहरी अध्यक्ष का भी, जो हमारे सुजानपुर के 5 इलेक्टेड मेंबर हैं, मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने जो 5 मेंबरों के प्रति, 4 मेंबरों के प्रति मोहर लगा के हमें आगे भेजा है। हम अपने 5ों लोगों के साथ, हम अपने उपाध्यक्ष महोदय जी के साथ कंधे से कंधा मिला के सुजानपुर के लिए काम करेंगे। यही सुजानपुर का इतिहास रहा है। काम करेंगे, काम किया है, काम करेंगे, झूठे वायदे नहीं करेंगे। एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे आज के तारीख में धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी का, बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हमारे पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही हैं। आज कहना चाहूँगा हमारे जो अपने ओबीसी के लोग हैं, हमारे जो गरीब लोग हैं, कम से कम 1000 लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं। हमारी जो पिछली सरकार के टाइम में जिन लोगों को 80 वर्ष के बाद पेंशन मिलती थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, उस उम्र के क्राइटेरिया को कम कर दिया गया। आज 70 वर्ष का जो हमारा कोई भी वृद्ध भाई, हमारा कोई माता जब 70 वर्ष के होते हैं तो उनको पेंशन लगाई जाती है, उसमें इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक धन्यवाद और करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, अभी लेटेस्ट एक अधिसूचना जारी की गई है जो नारी स्वावलंबन योजना के तहत हमारी जो 65 साल की होते हैं, जो भी हमारी बहनें हैं, उनको पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन लगाई जाएगी। इसमें भी इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। चाहे उनके 5 बेटे हैं, 5ों ही बेटे सरकारी क्षेत्र में हैं, कोई पटवारी की रिपोर्ट नहीं की जाएगी। आज की तारीख में धन्यवाद करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी का। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारतीय जनता पार्टी। सर, आप भाजपा के पहले भी उप प्रधान पद पर कार्यरत कर चुके हैं, लगता है कि 4 ही पार्षद जो है किसी न किसी रूप में नगर परिषद में अपनी जो कार्य है करते देखे जा चुके हैं, तो क्या लगता है विकास गति मिलेगी, शहरवासियों को विकास होता नजर आएगा जो अभी विफल नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? आज की तारीख में फिर धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय धूमल जी का, जिन्होंने अपनी मर्जी से 4 पर्सनों को मनोनीत किया है। उन्होंने भी कुछ सोच के किया है। हमारे अंकुश जी हैं, पहले बार मेंबर रहे हैं। हमारे ये लता जी हैं, ये भी मनोनीत पार्षद रहे हैं। हमारी बहन अनिता मेहरा जी है, ये भी इलेक्टेड पार्षद रही हैं, और हम भी नगर पंचायत में उपाध्यक्ष रहे हैं। तो जैसे अगर हमारे पे विश्वास रखा है तो शहर के कार्य में गति तो आएगी ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं।